भगवान की सभी जो पोशाक हैं वो विशेष हैं। प्राण प्रतिष्ठा के दिन जो पोशाक थी वो पीताम्बरी वस्त्र की थी, जिसमें असली स्वर्ण और चांदी का प्रयोग हुआ था, और जो भी उसमें चिन्ह थे, जो भी उसमें मोटिव्स थे, वो वैष्णव चिन्ह थे। वो सारे जो मोटिव्स थे वो शंख, चक्र, गदा और पद्म, मयूर, ये सब थे। अभी उसके आगे जो भी पोशाक हमने रेडी करी वो भी पोशाक हैंडलूम, स्पेशली बनारसी हैंडलूम की हैं और बनारसी सिल्क की हैं, और उन पोशाक में जो जो पैटर्न्स हैं स्वतः वो भी यूज़ किए, जिसमें हमने पद्म को, इसमें हमने शंख को, चक्र को ध्यान में रखते हुए उसको ही यूज़ किया है। आगे भी जो हम पोशाक बना रहे हैं वो पोशाक भगवान की जो है उनमें भी हमने यही मतलब जो हमारे वैष्णव चिन्ह हैं उनका खास तरह से ध्यान रखा गया कि उनमें रहें, और दिन के हिसाब से जो रंग हैं, जो कलर हैं, वो जो ऑलरेडी मंदिर ट्रस्ट द्वारा और मंदिर द्वारा जो एक निर्धारित जो एक कलर थे, जो रंग थे, जो भगवान को प्रतिदिन पहनाए जाते हैं, उनका हम पालन कर रहे हैं, जो कि सोमवार को सफ़ेद, मंगल को लाल, बुध को हरा, बृहस्पतिवार को पीला, शुक्रवार को क्रीम कलर, शनिवार को नीला और रविवार को गुलाबी। तो इन रंग का हम पालन करते हैं और उनको भगवान को बनाकर रोज़ भेज रहे हैं। भगवान को जो पोशाक समर्पित की जा रही है वो आप बता रहे थे कि इंडियन टेक्सटाइल का क्या विशेष है? नहीं, मेरा ये अपना यह मानना है कि जो भगवान को जो वस्त्र पहनाए जा रहे हैं, जो भगवान जो धारण कर रहे हैं, वो मेरा क्योंकि भगवान है ऑथेंटिक, उनकी पे जो भी भेंट जाए, उनके पर जो भी वो भगवान सुसज्जित हो, वो असली होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए। तो इसी के मद्देनज़र मैं इंडियन ऑथेंटिक टेक्सटाइल, इंडिजनस टेक्सटाइल्स को यूज़ कर रहा हूँ, और वो हैंडलूम खादी के माध्यम से मैं उन पोशाकों को, उन वस्त्रों को लेकर बना रहा हूँ। मतलब जो भी पोशाक निर्मित हो रही हैं वो हैंडलूम और खादी से बनी हुई उन्हीं की कपड़े हैं जिनको मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ।